नमस्कार। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है 308, टेली कम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क। उसका टॉपिक है लास्ट यूनिट का वाइड एरिया नेटवर्क। तो आज अपन ने इस यूनिट में पढ़ेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क जो इन दिनों काफ़ी पॉपुलर भी है, एक्चुअली होता क्या है। तो जनरली जो अपने कंप्यूटर नेटवर्क की तीन टाइप्स का नेटवर्क जनरली होता है, जैसे लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैसे ही है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क डेट प्रोवाइड ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस डाटा इमेजेस वीडियो ओवर ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया। यानी कि वही सेम चीज़ है, पर इसमें जो एरिया है वो लेन से और मेन से दोनों से ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसा नेटवर्क होता है जो अपनों को वॉइस डाटा इमेजेस वीडियो को एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया में ट्रांसमिट करता है। द वैन कैन बी मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेन एंड मेन्स। यानी कि अपन जो वैन को अपन लेन लोकल एरिया नेटवर्क बहुत सारे मिलाकर या बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलके भी इसको अपन बना सकते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हब्स, स्विचेस, फाइबर ऑप्टिक्स, मोडेम्स एंड राउटर्स। जो डाटा है वो अपन जो अपनी हब्स है, स्विचेज हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है, मोडेम है, राउटर है, उसके थ्रू अपन इसमें ट्रांसमिट करते हैं। द वैन मे बी डिफाइन एज द डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स रिलेटिवली ब्रॉड जियोग्राफिक एरिया टू कनेक्ट लेन्स टुगेदर बिटवीन डिफरेंट सिटीज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द कॉमन कैरियर सच टेलीफोन कंपनीज। यानी कि वैन को अपन ये भी कह सकते हैं कि एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो एक बहुत बड़े जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है और जो लेन को कनेक्ट करता है डिफरेंट सिटीज़ में, जो जगह जगह जो अपनी लेन होती हैं। हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, जो अपनी ट्रांसमिशन फैसिलिटी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं कॉमन कैरियर, जैसे टेलीफोन कंपनीज की होती हैं और या फिर प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज की भी टेलीफोन लाइन्स होती हैं, उनको लेके अपन कम्युनिकेट करते हैं। और उसके बाद में जो अपना आता है वो आता है कि वैन वर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। यानी वैन को अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी, तीन तरह की टेक्नोलॉजी काम लेते हैं। एक तो पॉइंट टू पॉइंट होती है, दूसरी सर्किट स्विचिंग होती है, तीसरी पैकेट स्विचिंग होती है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है या मोस्ट जो अपन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पैकेट स्विचिंग। तो अपन तीनों पढ़ लेते हैं। सर्किट स्विचिंग ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, या फिर अपना डायलअप जो टेलीफोन लाइन में डायलअप नेटवर्क होता है जिसमें 56 KBPS की अपन को स्पीड मिलती है, उसको लेके या DDR को लेके भी अपन सर्किट स्विचिंग कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग में अपना जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में डेडिकेटेड पाथ होता है। तीसरा है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या करते हैं, इसके अंदर X.25 या फिर फ्रेम रिले या सेल रिले या फिर ATM एसिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मोड, इसको काम में लेकर भी अपन पैकेट स्विचिंग करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। इसमें जो दिखाया गया है कि ये मेरा PC1 है, या इसको होस्ट बोल सकते हैं, और ये मेरा जो राउटर है, और ये यहाँ पे दूसरा, ये मेरा राउटर, राउटर के थ्रू और ये जुड़ा हुआ मेरा वैन से, वैन के बाद में जाता है दूसरे राउटर के बाद, दूसरे राउटर से यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अपने इसने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो मेश टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ब्रांच टेक्नोलॉजी यूज़ की है, यहाँ पे इसने रिंग नेटवर्क यूज़ किया, यहाँ से इसके डिफरेंट PCs लगे हुए हैं।
तो ये एक एग्जांपल दिया इसने वाइड एरिया नेटवर्क का, किस तरह से इसमें पीसीज या अपने जो भी इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है, थोड़ा और इसको डीप में पढ़ लेते हैं, वो है वैन कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ मशीन्स यूज फॉर रनिंग यूजर, यूजर भी कर सकते हैं जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑल द मशीन्स आर कॉल्ड होस्ट आर कनेक्टेड बाय ए कम्युनिकेशन सबनेट। यानी कि वैन के अंदर क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ मशीन्स होती हैं जो फॉर रनिंग यूजर्स एप्लीकेशन बोल सकते हैं, और ये सारी मशीन्स जिनको होस्ट किया गया या जो कनेक्टेड होती हैं वो कम्युनिकेशन सबनेट से कनेक्टेड होती हैं। द फंक्शन ऑफ सबनेट इज टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। जो सबनेट है उसका काम क्या होता है, जो होस्ट से होस्ट तक मैसेज को कैरी आउट करता है। द सबनेट कंसिस्ट ऑफ, सबनेट में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है अपना ट्रांसमिशन लाइन होती है, दूसरा होता है स्विचिंग एलिमेंट। तो जो वैन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है, जो इसका सबनेट है, कम्युनिकेशन सबनेट इसको बोल सकते हैं। इसमें ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं और स्विचिंग एलिमेंट्स होता है। जो बाद में आता है कि ट्रांसमिशन लाइन, इसमें ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, ट्रांसमिशन लाइन मूव बिट्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, एक मशीन से दूसरी मशीन। मशीन से यहाँ मेरा तात्पर्य सर्वर भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, या फिर कोई डाटा कलेक्शन भी हो सकता है। तो एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में डिजिटल डाटा बिट्स को मूव करती है। द स्विचिंग एलिमेंट आर स्पेसिफाइड कंप्यूटर। जो स्विचिंग एलिमेंट होते हैं, ये सबनेट के दो पार्ट थे जिसमें ट्रांसमिशन लाइन बिटू करती है। स्विचिंग एलिमेंट, स्विचिंग एलिमेंट की बात करें, स्विचिंग एलिमेंट्स आर द स्पेसिफाइड कंप्यूटर्स। ये कुछ विशेष तरह के कंप्यूटर होते हैं टू कनेक्ट द टू और मोर ट्रांसमिशन लाइन, दो या दो से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन को ये कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। द स्विचिंग एलिमेंट्स आर आइदर कॉल्ड एज ए पैकेट स्विचिंग नोड्स, इंटरमीडिएट सिस्टम, डाटा स्विचिंग एक्सचेंज और राउटर। तो स्विचिंग एलिमेंट क्या हो गए, इसको अपन बोल सकते हैं पैकेट स्विचिंग नोड्स भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट सिस्टम भी बोल सकते हैं, डाटा स्विचिंग एक्सचेंज भी बोल सकते हैं और राउटर भी बोल सकते हैं। द वेन यू मे यूज द पब्लिक लीज्ड या फिर प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज कर सकती है, स्प्रेड ओवर ए वाइड जियोग्राफिक एरिया, बहुत बड़े जियोग्राफिक एरिया में जो फैले हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था वो सेम चीज़ यहाँ पे आती है, जिसमें ये मेरा बताया गया है, मैंने कम्युनिकेशन सबनेट और होस्ट बताए गए हैं, जिसमें ये मेरे ये राउटर लगा हुआ है। इस राउटर के बाद में राउटर से जुड़े हुए मेरे लैन जुड़े हुए हैं, लैन के बाद में ये होस्ट है, इस होस्ट को मैंने इस होस्ट तक कनेक्टिविटी दी है। तो ये किसके थ्रू जा रही है, राउटर, राउटर के थ्रू जा रही है, और ये सब राउटर और सबनेट के थ्रू जा रही है। तो सबनेट सिस्टम बोलेंगे जिसमें ये क्या लगी है, मेरी ये मेरी लगी हुई है, तो मैं बताया ट्रांसमिशन लाइंस लगी हुई हैं। और दूसरा पार्ट इसका आ गया जो मेरा बताया था मैंने, पैकेट स्विचिंग नोड्स या इंटरमीडिएट सिस्टम या स्विचिंग एक्सचेंज या राउटर, इसके थ्रू इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अब इसके बाद में मेरा जो आता है टॉपिक, वो आता है राउटर इंटरकनेक्शन टोपोलॉजीज। जैसे कि मैंने बताया कि जो वैन के दो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सबनेट बोलते हैं। कम्युनिकेशन सबनेट के दो पार्ट होते हैं जिसमें एक तो मेरा ट्रांसमिशन लाइन होती है, दूसरा स्विचिंग एलिमेंट होता है। स्विचिंग एलिमेंट जो बाद में मैंने उसको राउटर से भी कनेक्ट किया है, तो उसको मैसेज उसमें जो पैकेट स्विचिंग होती है वो एक राउटर के थ्रू नहीं है, राउटर से दो या दो से ज़्यादा या उससे ज़्यादा भी राउटर से अपन उसके थ्रू जाती है। तो वो राउटर्स किस किस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं वो बताई गई है। एक टोपोलॉजी यूज करते हैं अपन स्टार,
जब इसमें स्टार की तरह जुड़े हुए होती हैं। दूसरा होता है रिंग, जो मैंने बताया था एक गोल्ड रिंग होती है इसमें जुड़े हुए होते हैं। तीसरा ट्री के रूप में होते हैं, ट्री बोल सकते हैं जिसको, ब्रांच भी बोल सकते हैं। तीसरा कंप्लीट होता है जिसमें जितने भी होस्ट या जितने भी नोडल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तीसरा होता है इररेगुलर, इररेगुलर में इसकी कोई शेप नहीं होती है। और जो वैन के केसेस में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है टोपोलॉजी वो यूज़ की गई, है इररेगुलर यूज़ की गई है। तो ये तो वैन का मेरा बेसिक हो गया कि किस तरह से अपना वैन काम करता है, ये लेंस से और मेन से किस किस तरीके से डिफरेंट होता है। अब इसके थोड़े थोड़े अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके एडवांटेज क्या आते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका वो है इट्स कवर्स लार्ज जियोग्राफिक एरिया, यानी कि इसमें जो जियोग्राफिक एरिया होता है बहुत लार्ज हो सकता है। ये आपकी एक सिटी, दो सिटी, स्टेट, स्टेट के बाहर वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में, पूरे विश्व को ये कवर करता है। सेकंड जो आता है वो तो होता है इसमें सेंट्रलाइज डाटा, यानी डाटा इसमें कहाँ होता है अपना सारा, एक जगह होता है, एक जगह इसमें अपना एक कहीं पे अपना एक सर्वर लगा होता है जिस उसी से अपन कम्युनिकेट करते हैं। गेट अपडेटेड फाइल्स एंड डेटा, सेंट्रलाइज डाटा है तो क्या करेंगे, जैसे ही अपन उस सर्वर को अपडेट कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, सारा अपडेटेड डाटा और फाइल्स अपन को मिल जाएंगी, दूसरे यूजर्स भी उसको यूज कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी इस वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू अपन जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी अपन शेयर कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ए लॉट ऑफ एप्लीकेशन टू एक्सचेंज डाटा, बहुत सारे एप्लीकेशन जो डाटा को एक्सचेंज करने के काम आते हैं, जिसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं फेसबुक ले सकते हैं, इंस्टाग्राम ले सकते हैं, व्हाट्सएप ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जिसके थ्रू अपन अपना डाटा एक्सचेंज, वीडियो है, इमेजेज है और फोटोग्राफ्स है या कॉल है, वो अपनी इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं। और बाद में आते हैं इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से। डिसएडवांटेज सबसे पहला आता है इसका सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, इसमें जगह जगह आपको स्विचिंग सेंटर मिल जाएंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट सर्वर मिल जाएंगे। तो लैन और मेन की बजाय इसमें सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है नीड फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फायरवॉल भी इसके लिए ज़रूरी होती हैं और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इसके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये कहीं भी कोई भी हैकर्स होता है वो अपने जो पैकेट्स जा रहे होते हैं या अपने डायरेक्ट अपने सर्वर तक पहुंच के कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा इसका सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेटअप कॉस्ट यानी पूरे वर्ल्ड वाइड या एक स्टेट में या इंट्रा कंट्री इसको सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। जैसे कि आप इसमें आप ट्रांसमिशन मीडिया मान लीजिए या राउटर मान लीजिए, हब मान लीजिए, सर्वर मान लीजिए। उसके बाद में आता है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, इसमें मतलब इसको कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रबल शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि प्रॉब्लम को अपन पता ही नहीं हो पाती है कहाँ से वो अराइज हो पा रही है। तीसरी है सर्वर डाउन एंड डिसकनेक्शन इश्यू, यानी कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है तो वो सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर बैड लाइन से बोल सकते हैं कि जैसे कि आपकी जो भी ट्रांसमिशन मीडिया है वो और सही नहीं है तो उसकी वजह से कोई दिक्कत आती है तो सर्वर डाउन और डिसकनेक्शन इश्यूज़ इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब उसके बाद में इसके मैं कुछ आपको बता देता हूँ एग्जांपल्स, वाइड एरिया नेटवर्क एग्जांपल। सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो इंटरनेट है, डिफेंस अपना खुद का वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करता है, बिग बड़े बड़े बैंक यूज़ करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में यूज़ करते हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी जैसे कि जो भी अपनी प्राइवेट हैं या जो गवर्नमेंट ओन है, BSNL है, एयरटेल है, जियो है, ये कंपनीज भी अपने सॉफ्टवेयर को या अपनी जो भी डाटा एक्सचेंज के लिए इसको यूज़ करती हैं। सेटेलाइट सिस्टम में यूज़ करते हैं, केबल कंपनीज, बड़ी बड़ी केबल कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है वो भी काम लेती है। नेटवर्क प्रोवाइडर जो अपन को नेटवर्क देते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।